तो वो है स्पोकेन इस ट्राइब से ये बिलोंग करते थे नेटिव अमेरिकन थे वट इज शर्मन अलेक्ट नॉन फॉर ही नॉन फॉर फिक्शन शर्मन अ मेंबर ऑफ विच नेटिव अमेरिकन ट्राइब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दो बार यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है और उसका नाम है स्पोकेन ठीक है आपने याद रखना है वट ट्रोमैटिक इवेंट अकर्ड ड्यूरिंग शर्मन एलेक्स चाइल्डहुड लेफ्ट अग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हिस्स लाइफ एंड राइटिंग हाउस फायर उनके घर में आग लग गई थी उस, uh, इस ट्रोमैटिक इवेंट ने इन पर काफी ज्यादा इम्पेक्ट किया इनके चाइल्डहुड चाइल्डहुड uh, के इवेंट का ठीक है वट अवॉर्ड डिड शर्मन एलेक्सी विन फॉर हिज यंग एडल्ट एब्सोलूटली ट्रू डायरी ऑफ अ पार्ट टाइम इंडियन तो वो है नेशनल बुक अवार्ड आगे चलते हैं शर्मन एलेक्सी वर्क्स ऑफन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ नेटिव अमेरिकन आइडेंटिटी एंड रिजर्वेशन लाइफ अब इनका इनके जितने भी वर्क्स हैं उनमें ये नेटिव अमेरिकंस के बारे में बात करते हैं जो कि किसी और कंट्री से वहाँ पर अमेरिका में शिफ्ट हुए होते हैं और उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस उस टाइम पर बहुत थी उनकी कोई पहचान नहीं थी और उसी सब पर ये लिखते थे विच ऑफ द कलेक्शन ऑफ चेयरमेन एलेक्सी पोइट्री तो वो है वॉर डांसिस ये इनकी पोइट्री की कलेक्शन का नाम है वॉर डांसिस इन एडिशन टू बी राइटर शर्मन नोन फॉर हिज वर्क एज अ म्यूजिशियन वो राइटर होने के साथ साथ एक अच्छे म्यूजिशियन भी थे और उसकी वजह से भी वो जाने जाते थे आगे चलते हैं शर्मन अलेक् राइटिंग ऑफ टिन कम्बाइन विद ट्रेजिडी ट्रेजडी वो हूमर को अक्सर ट्रेजडी के साथ कंबाइन करते हैं अपनी राइटिंग्स में इज द टाइटल ऑफ शर्मन अलेक्जी Um, memoir published in 2017 to you don't have to say you love me ये इनका एक मेमोर है यानी कि इनकी अपनी मेमोरी है जिस जो कि इनने लिखी ठीक है जो इनकी टू uh, थाउजेंड में पब्लिश हुई तो ये थी आज की वीडियो होप्स आप लोगों को समझ में आया होगा अब यहाँ पर आगे भी एम हैं पर ये स्पेसिफिक वर्क्स को लेकर हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको किसी भी टॉपिक पर एम चाहिए तो आप लोग कह सकते हो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो